I'm so happy and I'm so glad to be here, and I will to thank Mr. Qureshi ji, Mr. Puneet ji, Raj ji, and Real Imperial Award to honoring me, and I'm here right now. So I'm so excited and so happy also. I'm a fashion model, so obviously I'm a nominated fashion model. So let's see. Yeah. And I will do thanks to Mr. Qureshi ji and Mr. Puneet ji. So मैं उनको बुलाना चाहूँगी यहाँ पे कि दो कुछ बातें बोलें. मिस्टर कुरैशी जी, गुड इवनिंग एवरी बाय. एंड पुनीत जी, बहुत बहुत बधाई, आप नॉमिनेट हुए हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू डिजर्व दिस अवार्ड. ओह, आई होप सो. I'm going to receive a Life Best Singer Bollywood Award for the year 2023. And I'm really thankful to Tamas, Rajji, Raj Rajputji. And I'm really glad and very excited, really happy for the award. So I've got an award for Best Female Bollywood Singer of Life Singer Performance. Yeah. So Best Life Singer Performer is a Bollywood singer. Okay, and I'm going to perform live also. So as a, I'm going to give one live performance also as a singer. So many of your favorite songs? Actually, मेरा बहुत अच्छा गाना जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था टीवी सीरियल्स का सिलसिला, और ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया था, कलर्स टीवी पे बहुत चला भी था, एंड राजी और इन लोगों को भी बहुत पसंद आया. फिर एक है सूरज बरजाते सर की फिल्म दोनों, फिर एक है वीर सावरकर रणदीप हुड्डा सर की, और एक और फिल्म है यूनुस ताजेवाल सर की, उस पर मैं ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन वो भी एक फिल्म है, तो जल्दी आपको पता चलेगा, बाकी आपको आप न्यूज में देखते रहेंगे. एक्चुअली मैं ऐसे इवेंट्स को काफी लुक फॉरवर्ड करती हूँ, बिकॉज यू नो तमन्स प्री इज लाइक दे वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और ये रिमाइंड करता है कि जब मैंने हार्डवर्क किया है वो दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो एक रिमाइंडिंग फैक्टर है कि ठीक है मैं हार्डवर्क कर रही हूँ और उसके लिए मुझे एक रिवॉर्ड मिला है. बट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आई डोंट फील कि हम लोग को सिर्फ अवार्ड के लिए परफॉर्म करना चाहिए, खुद के सेटिस्फेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक आई वर्क फॉर माई फैमिली, मतलब मिलता है, सो इट जस्ट अ ग्रेटफुल फीलिंग एंड अ हैप्पी फीलिंग, सो इट जस्ट ऑलवेज यू आर वेरी ग्रेटफुल टू रिसीव ईच एंड एवरी अवार्ड. वेल अभी मैं नेम्स तो नहीं बता सकती, बट आई थिंक 2023 में मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड. बट हाँ, मेरी अभी शॉर्ट फिल्म आने वाली है मिलेंगे जन्नत में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. वेल आज ही मेरा आया है यूट्यूब पे, सो यू कैन गो चेक इट आउट एज वेल. थैंक यू. थैंक यू. रियल इम्पीरियल अवार्ड्स 2023 इज हैपनिंग एंड दिस इज द सेकेंड ईयर, सो आई कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट इन द लास्ट ईयर, सो एम वेरी एक्साइटेड. दिस lot of excitement going on inside, so even I'm looking at getting the excitement part of it. The music and entertainment is going to be fun, so you guys will surely watch it.
लगता है एवरी आर्टिस्ट इज़ वेरी फ्लैटर्ड व्हेन इट बिकम्स द अवार्ड पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आर्टिस्ट अपनी मेहनत तो हमेशा करता है लेकिन जब किसी अवार्ड से नवाजा जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है और हर एक की मेहनत का रंग जो है वो अवार्ड पाने से ही मिलता है. तो आई थिंक देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट एंड इट्स अ वेरी वाव फीलिंग दैट आई एम नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट नेगेटिव कैटेगरी फॉर माई वन ऑफ माई शो ऑन स्टार प्लस रज्जो. So I would like to thank the whole team of Real Imperial Awards 2023 for nominating me for this particular award in this category. And yes, I would especially like to thank each and every team member of Real Imperial Awards, especially Tapasji, Rajji and Qureshi ji for having me here. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग फिर से आए, पिछली बार वाला भी आपने बहुत सफल बनाया था इवेंट और इस बार के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू. और आप सबका स्वागत में तो देर हो गई पर फिर भी मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट. आज बहुत इंजॉय किया और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट लोग हैं, आप लोग हैं, हमारे को अच्छे लगने से ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए. हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और आगे के जो भी विज़न है सीमान जी के, राज राजपूत जी के, कुछ बड़ा करना चाहते हैं. जैसे पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, अच्छा जैसे कि कुछ उनके प्लान्स थे क्रूज़ में कि ड्यू टू सम रीज़न पोस्टपोन हो गए, बट आगे आप लोगों का सपोर्ट बहुत लगेगा और हम कुछ बड़ा करेंगे इस बार. ये रियल इम्पीरियल अवार्ड के बारे में मुझे अभिषेक अरोड़ा मेरे ब्रदर ने बताया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और मैं स्पेशली इसी अवार्ड के लिए ही दिल्ली से आया तो मुझे लगा कि यार अच्छा है, मुझे जाना चाहिए. और देखा कि कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, तो ये सारा जो क्रेडिट है वो अभिषेक अरोड़ा की वजह से है. इन्होंने ही मुझे बुलाया और हम लोग सर जो है आप बहुत ही संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में और आज एक ऊंचाइयों पर अपना एक मुकाम बनाया है. गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया है इनके एम के एम ज्वेलर्स, जो क्या कहते हैं आज एक जाना माना नाम है और हमारे संस्था ने इनको अवार्ड दिया. ये हमारे लिए खुद सम्मान की बात है कि इतने अच्छे क्या कहते हैं लोगों को हम लोग सम्मान दे पाते, ये खुद हमारे लिए सम्मान की बात है. सो वेरी थैंकफुल टू मिस्टर सुशील कुमार जैन. सो एंड थैंक यू टू यू. I've got this award on behalf of Real Imperial Awards. It's all about the year startup business for best manufacturing award, which I've received from this company, by this organization. And I'm very much thankful to achieve this award, and I feel very proud myself. So, what do you want to say about the Real Imperial Awards? So, ये सीज़न 2 है रियल एम्पीरियल अवार्ड का. इससे पहले 29 मई 2020 में हुआ था और उसमें रंजीत जी काफ़ी लोग आए थे, बट इसमें काफ़ी सेलिब्रिटी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, ऑल इंडिया से हैं, हर इंडस्ट्री में लोग आए हैं, बिजनेस से भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी हैं, प्रोडक्शन हाउस भी हैं. जैसे कि हमने देखा था लास्ट ईयर भी अमिशा जी आए थे, तो इस बार और कितने सेलिब्रिटीज आने वाले और क्या कुछ अपने उसको मतलब किस तरह अरेंजमेंट. इस बार काफ़ी लोग आ रहे हैं, पाकी हेगड़े जी आ रहे हैं, जिनको पिछले टाइम नेशनल अवार्ड मिला है, वरुण गुप्ता देव वो भी आ रहे हैं, काफ़ी मतलब लोग आ रहे हैं, उसका भी मैं नाम नहीं जानता. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे पूछिए क्या कहना चाहेंगे मैम. आज अवार्ड शो है आपका, अवार्ड है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोलो बोलो कुछ बोलो, क्या कहना चाहोगे? इतना नर्वस मत रहो, सब अपने ही लोग हैं. एक बार भी बोलिए. ओके ओके, थैंक यू फॉर विजुअल. ओके.